जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रचित शरीरा। नारंगी सभी को पसंद होती है। ये फल बहुत ही रसदार होते हैं। नारंगी का रंग सभी फलों से अलग होता है और इसके स्वाद भी अन्य फलों से बिल्कुल भिन्न है। स्वाद में खट्टी मीठी नारंगी को आप सभी लोग बहुत ही रुचि से खाते होंगे। आम तौर पर लोग केवल ये जानते हैं कि नारंगी का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नारंगी का इस्तेमाल एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कच्ची नारंगी कफ, पित्त और वात के दोषों को दूर करने में कारगर साबित हुई है और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं कि गेंद की तरह दिखने वाली नारंगी फल के फायदे। सबसे पहला, नारंगी का सेवन सर्दी और जुकाम में फायदेमंद। 10 से 20 मिलीग्राम नारंगी के रस में शहद तथा नमक मिला लें। इसका सेवन करने से सर्दी, जुकाम, टीबी रोग, अस्थमा तथा सांस संबंधी रोगों का भी उपचार होता है। 1 से 2 बूंदे नारंगी फल के रस को नाक के रास्ते लेने से सर्दी और जुकाम में लाभ होता है। दूसरा, हृदय विकार में नारंगी से फायदे। नारंगी के फूल के रस को छाती पर मालिश करें, इससे हृदय से संबंधित अनेक बीमारियां खत्म होती है। नारंगी फल के छिलके को काढ़ा बना लें और इसे 10 से 20 मिलीग्राम में पानी में डालकर कुनकुना करके इसको रोजाना पिएं, इससे हृदय रोगों में लाभ होता है। तीसरा, नारंगी के प्रयोग में उल्टी रुकती है। सूखी नारंगी के छिलके का चूर्ण बना लें, इसके साथ ही इलायची, जीरा, सोंठ को बराबर भाग में मिलाकर चूर्ण बना लें। नारंगी फल के छिलके का चूर्ण बनाकर 500 मिलीग्राम मात्रा में खाने से उल्टी का निदान होता है। चौथा, दस्त में फायदेमंद नारंगी का सेवन। 10 से 15 मिलीग्राम नारंगी के फल के रस को पिएं, इससे गर्भवती महिलाओं में दस्त की शिकायत दूर होती है। पांचवा, लीवर को स्वस्थ बनाता है नारंगी। नारंगी फल के छिलके का काढ़ा बना लें, इसे 10 से 20 मिलीग्राम में पानी से लेवें और लेने के बाद थोड़ी देर लेट जाएं, उससे आपकी लीवर की समस्या दूर होगी। छठा, नारंगी के सेवन से गठिया में फायदा। नारंगी के पत्ते, फल तथा छाल से पेस्ट बना लें, इसे थोड़ा गर्म कर दर्द तथा सूजन वाले जोड़ों पर लगाएं, इससे सूजन तथा दर्द दोनों में आराम मिलता है। अपने रोगों को ठीक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।